अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग की सेशन में मेरे चैनल पर रहीम शाह चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ रहीम शाह, लोगों का टीचर। जैसे कि हमने आर्टिकल शुरू किए थे और आज का जो हमारा आर्टिकल का कंसेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट आर्टिकल का यूजेज हमने पढ़ा, और जैसे कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट आर्टिकल का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, इसी तरह और बहुत से कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो आज का जो हमारा कंसेप्ट है आर्टिकल के बारे में, वो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत ही फुल कंसेंट्रेशन के साथ सुने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स कम टू रीड। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है फिजिकल पोजिशन। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का एक और आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि डेफिनेट आर्टिकल द हम फिजिकल पोजिशन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ होता है, और इसी तरह आप पैरेलल कंस्ट्रक्शन के साथ कि एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है, वहां पर आपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। और इसी तरह आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, दसवां कंसेप्ट है डेफिनेट आर्टिकल का, वो है कि फिजिकल पोजिशन, किसी चीज की खास तादाद मालूम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल को भी गौर से देखना है। पहला एग्जाम्पल जो है ना, वो है कि मैंने पहला ब्लिंक छोड़ा है, ब्लिंक फर्स्ट, राइट। हमने पहले पढ़ा कि किसी चीज की खास तादाद मालूम करने के लिए, जब भी आप किसी चीज की खास तादाद मालूम करते हो तो वहां पर आपने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लिंक्स छोड़े और इन सारे ब्लिंक्स में सिर्फ ए डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कि फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है ना एक खास तादाद, फर्स्ट से हमें खास आइडिया मिलती है, तो इससे पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, द फर्स्ट। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है द सेकेंड, राइट, द फर्स्ट। इसे जब भी किसी चीज से खास आइडिया हमें मिलता है वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि किसी चीज की खास आदत मालूम करने के लिए वहां पर हम, और इस कंसेप्ट का नाम है कि फिजिकल पोजीशन, राइट। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सेकंड, द सेकंड, थर्ड, इससे भी हमें खास आइडिया मिलती, तो इसलिए हमने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। इसी तरह द फोर्थ, इससे भी खास आइडिया मिलता है, द लास्ट, राइट, इससे भी खास आइडिया मिलती है। जैसे कि वी आर सीइंग दैट द लास्ट स्टूडेंट स्टैंड अप, कि पिछला जो स्टूडेंट है वो खड़ा हो जाए, ठीक है, तो जो है ना इससे भी हमें खास आइडिया मिला, इसलिए यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, द लास्ट, द सेकंड, राइट, इसी भी खास आइडिया मिलती, द थर्ड लास्ट, वहां पर यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, द सेकंड लास्ट, यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, द सेंटर, राइट, यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, द बॉटम, इसे भी हमें खास आइडिया मिलती है, इसलिए यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीका समझ में आ जाए। हमने डेफिनेट आर्टिकल का आज जो नाम हमारा आर्टिकल का दसवां कंसेप्ट है डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है फिजिकल पोजीशन, किसी चीज की खास तादाद मालूम करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकंड, द थर्ड लास्ट, द सेकंड लास्ट, द सेंटर, द बॉटम। और इसके बाद है यूज इन सेंटेंसेस, कि जुमलों में हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर आप लोगों को ये जो पहले मैंने बताया, अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो आप लोगों के लिए पास 2 सेकंड है, 2 मिनट है, तो आप लोग इसे खुद ही इसका जवाब ढूंढे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका जवाब ढूंढा होगा। तो यहाँ पर भी हम डेफिनेट द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जब भी द फास्ट आ जाए लेकिन वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के डेट में इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो।